पर अपने लिए ही एक जो है स्किन और हेयर केयर के लिए नारियल का तेल बनाया था, बहुत ही बढ़िया, बड़ा इफेक्टिव। मैं उसी को यूज़ करती हूँ विंटर्स में, और फेस पर भी उसे लगाती हूँ और हाथों पैरों पर भी, बिल्कुल मुलायम बने रहते हैं इससे हाथ जो होते हैं। और हम जब पानी वगैरह का काम करते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि जो ऑयल है वो हाथों से जाता नहीं है। तो आप लोग पूछ रहे थे कि मैं क्या लगाती हूँ स्पेशली, तो यही लगाती हूँ। और इसके साथ साथ शुरू हो गए मॉर्निंग के काम। आज थोड़ा सा एज अ यूट्यूबर, एज अ क्रिएटर, बहुत सारे काम होते हैं जिसमें घर को संभालने के साथ साथ कुछ हमारी मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं, तो वो सब भी करनी है। तो मैंने अपने पूरे दिन का एक प्लान बना लिया है, और आज इसकी ज़रूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि शानू गया है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो आज दिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से शुरू हुआ। और मौसम ना बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है, और बाहर काफ़ी सारे प्लांट्स भी ख़राब हो रहे हैं। और हालत ठंड की ये है कि जब मैं पूजा का दीपक तैयार करके रखती हूँ घी डाल के गरम करके, तो जितनी देर में ठाकुर जी स्नान करते हैं ना उतनी देर में वो घी भी जम जाता है। बहुत ज़्यादा ठंड है, और ऐसे ठंड में वीडियोज़ को बनाना, एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाता है, खासकर जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हों। जो शानू है वो चला गया है, तो जितनी भी चीजें मैंने बनाई थी घर में, लड्डू वगैरह, वो सब मैंने उसके साथ रख दी हैं। आप लोगों की एक रिक्वेस्ट है कि मैं कुछ ऐसी रेसिपी आपको बताऊं जो कि जिसमें कि बहुत ज्यादा जो है कुछ ना करना पड़े, मतलब फटाफट बन जाए और वो बने भी बढ़िया। तो मैंने कहा चलो कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं, क्योंकि कल जब करण दूध के साथ लड्डू खाता है तो उसके पास कुछ भी नहीं था मीठा घर में, तो आज कुछ चीजें बनाऊंगी मैं दिन भर। अब एक एक करके देखूंगी जो मेरे पास है सामान, क्योंकि इतना ठंड है कि बाहर तो जाना पॉसिबल नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी बाहर से लाने के लिए। और हाँ, आप लोग मुझसे बोलते हो कि जो भी मैं रेसिपीज बनाती हूँ वो आप लोग नहीं ढूंढ पाते, उसका मैं नाम लिख के दिया करूं, तो जो रेसिपीज वगैरह मैं ट्राई कर रही हूँ वो सारी मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां फॉलो जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा रही हूँ तिल और गुड़ के ऐसे लड्डू जो कि 10 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं, और इसमें ना मिक्सी में बनते हैं ये फटाफट, बस आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि इन्हें बांधना पड़ता है। बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं, बहुत बढ़िया है, आसानी से बन जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा खास ध्यान नहीं रखना है। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जितना आप तिल लेंगे सफेद तिल, उतना ही हम लेंगे गुड़। तो ये वाले जो सफेद तिल है ना ये लेने हैं। तो ये जो लड्डू बन रहे हैं ये गुड़ के बन रहे हैं, और इसके लिए मैंने गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। और अब मैं अपनी इस वेइंग मशीन में ना तिल लूँगी, और तिल मैंने लिए हैं 500 ग्राम्स। आप कप से मेज़र करके भी ले सकते हैं जितना चाहें, बस ध्यान ये रखना है गुड़ और तिल बराबर होने चाहिए, और बिना किसी घी के तेल के हमें इसे रोस्ट कर लेना है तिलों को केवल एक मिनट के लिए, कि इसमें हल्की सी खुशबू आने लगे और थोड़े से सुनहरी हल्के से हो जाएं। ठंडा होने पर मिक्सी में इसको पीस लेना है, जैसी चॉइस हो वैसे पीसिए। मैंने थोड़े से ये दरदरे पीसे हैं, और उसके बाद इनको हम खाली कर लेंगे एक दूसरे पॉट में। और गुड़ भी हमें बिल्कुल बराबर मात्रा में लेना है जितने हमने तिल लिए हैं 500 ग्राम्स। और एक चीज़ और, थोड़े से गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए, और अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो जो शक्कर आती है ना वो भी आप ले सकते हैं। और गुड़ को अब हमें पीसना है, शक्कर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास है, लेकिन उसको भी एक बार मिक्सी में पीस लीजिएगा, थोड़ा सा बराबर चलाते हुए पीसना है, क्योंकि पीसते टाइम गुड़ थोड़ा सा गीला हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लड्डू इसके और भी बढ़िया बनने वाले हैं। थोड़ी सी हमने मूंगफली ली, करीब आधा कप रोस्ट किया, इसका छिलका हम उतारेंगे और थोड़े मोटे मोटे टुकड़ों में इसके टुकड़े करके हम उन्हीं चीज़ों में मिला लेंगे, यानी तिल में और गुड़ में। थोड़ा सा डाला इसमें घी, और इन सबको अब अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो ध्यान रखिएगा जब मिक्स करें ना तो थोड़ी देर तक अच्छी तरह से मिक्स करिएगा, क्योंकि गुड़ को और तिल को चिपकने में थोड़ा सा आपको हाथ से मतलब थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी देर तक इसको अच्छी तरीके से मसलिएगा। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया लड्डू रेडी हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत बारीक आप अगर आप पीस रहे हैं इसको, तो थोड़े से तिल जो है निकाल के अलग रख लीजिएगा जिन्हें आप ना पीसें, और बाद में इस टाइम मिक्स कर लेंगे तो भी तिल के लड्डू बहुत ही बढ़िया बनते हैं। ये इतने टेस्टी लगते हैं और बिना किसी मेहनत के फटाफट बन जाते हैं।
जैसे ही मुंह में जाएंगे ना बिल्कुल घुल जाएंगे। इसमें मतलब कुछ भी जो घी वगैरह होता है वो बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। बस ध्यान रखिएगा कि तिल भून लेने हैं, बारीक पीस लेने हैं, गुड़ को बारीक पीस लेना है। अपनी चॉइस से आप इसमें कुछ भी मेवे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला सकते हैं। अगर बंधने में दिक्कत आएगी उसके दो रीजन है, या तो तिल मोटा रह जाता है तो वो गुड़ में चिपक नहीं पाता है, और दूसरी चीज है कि जो इसमें गुड़ है वो थोड़ा सा कम है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर गुड़ कम रखना चाहते हैं तो थोड़ा घी बढ़ाना पड़ेगा, तो अपने आप लड्डू बन जाते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, आसानी से मिक्सी में बनने वाले लड्डू हैं ये, और फटाफट बन जाते हैं। तो देखो कितने अच्छे हैं ना लड्डू, अभी दिखने में तो बढ़िया लग रहे हैं, खाने में भी बहुत बढ़िया लगेंगे। जब मकर संक्रांति होती है तो मूंग की दाल के ना मंगोड़े बनाए जाते हैं, और मतलब वो एक फ्राइड बड़ी अच्छी जो है वो होती है, पकौड़े होते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, और मूंग की दाल का हलवा भी बहुत बढ़िया लगता है। बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, लेकिन बहुत ही आसानी से बनने वाले आज मैं आपको बता रही हूँ कि मूंग की दाल के लड्डू कैसे बनेंगे। और उसके लिए आपको बिल्कुल भी दाल को भिगोना नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और एक बार मैंने आपको और मूंग दाल लड्डू बनाने के लिए हमने ये पीली वाली धुली हुई मूंग की दाल ली है। छिलके वाली होती है, हरी मूंग की साबुत दाल होती है वो हमने नहीं ली है। और हमें ये कितनी लेनी है अभी बताती हूँ। सबसे पहले इसको बिल्कुल बारीक पीस लीजिए, इसका आटा बना लीजिए, और ये हमने ली है 2 कप। और इसी में देखिए ये कितना बारीक आटा सा हो गया है। और अब हमने लिया है घी, और ये है 1/2 कप। और इस घी में हमें इस दाल को भूनना है जैसे बेसन भूनते हैं। इस ये थोड़ी सी ड्राई रहेगी, और अगर आप इसमें दूध के छींटे मीटे देते हैं तो टेस्ट इसका थोड़ा बदल जाता है। वो मेथड भी एक बार आपको ज़रूर बताऊँगी। इसे अच्छी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेना है, जब तक कि इसमें अच्छा सा सुनहरा सा कलर ना आ जाए और बढ़िया खुशबू ना आने लगे। दाल जब आप भूनते हैं तो उसकी पहचान है, चाहे आप हलवे के लिए भूने या लड्डू के लिए, कि वो थोड़ी सी ना फूलने लगती है, हल्की सी होने लगती है, ऐसा लगता है जैसे उसमें कुछ झाग से आते हैं ना, तो फ्लफी सी हो जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि दाल भुन गई है। और हमेशा दाल को या किसी भी तरीके के आटे को, बेसन को, हमें हमेशा बहुत ही धीमी आंच पर भूनना है। और ध्यान रखिएगा कि दाल जल ना जाए, क्योंकि अगर जरा सा भी जलने वाला इफेक्ट आ गया तो लड्डू का टेस्ट कड़वा हो जाएगा, फिर वो लड्डू नहीं रहेंगे, क्योंकि लड्डू तो होते हैं मीठे। दाल बिल्कुल बढ़िया भुन गई है, और इस टाइम पे हम थोड़ा सा इसे और भूनेंगे, हल्का सा थोड़ा सा सुनहरा कलर और करेंगे, और फिर इसमें हमें कुछ चीज़ें और मिलानी हैं, लेकिन उससे पहले हम भूनने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप लोग कहोगे कि किचन में मैं बाल खोल के काम कर रही हूँ, एक्चुअली जो है बाल गीले हैं, विंटर्स हैं, ठंड लगती है, तो मैं केयरफुल रहती हूँ कि कोई भी जैसे बाल वगैरह खाने में ना जाए, और इसीलिए नहीं मैंने बांध रखे हैं। तो किचन में आप लोग जैसे मुझे सलाह देते हो काफ़ी सारी चीज़ों की, मैं उनको फॉलो करती हूँ, लेकिन बहुत गीले हो रहे हैं बाल, तो इसलिए मुझे जो है ना खोल के रखने पड़ रहे हैं। गैस की फ्लेम को तो हमने ऑफ कर दिया है, और इस टाइम हम मिलाएंगे इसमें कुछ अपने मनपसंद मेवे, और थोड़े से उन्हें आप चाहें तो पीस कर या काट कर मिक्स कर सकते हैं। और अब इसे करेंगे ठंडा, और इसमें डालेंगे इलायची पाउडर 1 चम्मच, और इसके साथ साथ जो पिसी चीनी या बूरा होता है 1.5 कप हमें इसमें मिक्स कर देना है। हाथों से अच्छी तरीके से मसलिए, और फिर इसके लड्डू बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा घी कम है तो इसमें ज़रा सा घी ऐड कर लीजिए, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही मुलायम, बड़े ही टेस्टी लड्डू बनते हैं। तो अगर बच्चे मूंग की दाल नहीं खाते हैं ना, तो मूंग की दाल के लड्डू खिलाइए, फटाफट 10-15 मिनट में ये बन जाते हैं। और ऐसे ही बनते हैं हरी मूंग की दाल के लड्डू। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, जरूर चेक करिएगा और देखिएगा ये लड्डू कितने टेस्टी लग रहे हैं देखने में ही। बनाने के बाद ना मैंने खाना बनाया था, दाल और सब्जी, अरहर की दाल और सब्जी, मैंने और करण ने खा लिया, भी अमर ने खाना नहीं खाया है, वो उनका तो कोई टाइम ही फिक्स नहीं है, वो कब खाना खाने आए। तो मैं इसी कैसरोल में रख देती हूँ, जो ये हॉट कैसरोल्स है ना इलेक्ट्रिक, इसमें खाना गर्म रहता है।
तो आप लोग ना इसका लिंक मांगते हो, तो मैंने लास्ट से लास्ट वाले वीडियो में भी, लास्ट से पहले वाले वीडियो में भी इसका लिंक दिया था, इस वीडियो में फिर दे दूंगी। एक अच्छी चीज है और मुझे इसे इस्तेमाल करते हुए 1 साल हो गया, मतलब लास्ट जो विंटर का सीजन था उसमें भी मैंने इसे यूज किया था और इसमें भी। तो ये सब बन गया है और ये बन गए हैं दोनों तरह के लड्डू। मैं शानू को छोड़ने गई थी ना, तो उस दिन सरोजनी नगर गई थी, आप लोगों ने बोला था मैंने क्या खरीदा। एक्चुअली मैंने कुछ भी खास नहीं खरीदा है, एक दो चीजें ली हैं बस, क्योंकि कुछ भी मुझे ऐसी जरूरत की लग नहीं रही थी वहां पे। और अगर आप शौकीन हैं या पहनते हैं सूट्स वगैरह, तो आप ना इस तरीके से जो ये वेलवेट के सूट्स हैं ये जरूर वहां से देख लेना, ये बहुत अच्छे हैं, हर साइज में अवेलेबल है, इनका प्राइस बहुत अच्छा है। और इसका एक शॉल है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा पतला सा हो, ये ना पैंट है और जो शनील होती है इसके नीचे, इन्होंने वेलवेट है इसके नीचे, अस्तर नहीं है। अमेजोन में ना मैंने कार्ट में डाल रखी थी कुछ इस तरीके की स्लीपर्स, है ना। और इसका रीजन क्या है कि मैंने क्यों लेना चाहती थी, ऊपर के फ्लोर में मंदिर बना हुआ है जिसमें कि हम शूज या स्लीपर्स पहन के नहीं जाते हैं, तो वहां पे केवल सॉक्स हम पहने रहते हैं, उसी में जाते हैं, लेकिन इतनी ठंड रहती है वहां पे ना, इतना जाड़ा लगता है। वैसे तो मंदिर के आगे काफी बड़ा एक कारपेट बिछा हुआ है, लेकिन जब स्टेयर से नीचे आते हैं तो ठंड लगती है। इतनी बढ़िया ये मुझे मिल गई, इनकी क्वालिटी वगैरह ना इतनी अच्छी है कि लग ही नहीं रहा कि हम इतनी एक सस्ती चीज ले आए हैं। ये मुझे 200 रुपीज की पड़ी है, तो बॉटल्स हमेशा मेरे आसपास रहती हैं, मैं पानी पीती रहती हूँ, तो मुझे ना एक बड़ी बॉटल चाहिए थी। और मैं बताऊँ ना, ये भी मेरे अमेज़न में मैंने कार्ट में डाल रखी थी कि मुझे इस तरीके की बॉटल लेनी है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख रही थी कि वो इस तरीके की बॉटल कैरी करते हैं और बहुत अच्छी लगती है, हैंडी है। और उससे भी अच्छी चीज क्या है ना, इस पे यहाँ पे मार्किंग हो रखी है कि किस टाइम तक आपको कितना पानी पी लेना है। 150 से 200 के बीच में मुझे ही मिली, तो मैंने अपनी मतलब अच्छा खासा एक टॉवल्स का कलेक्शन है वो रख रखा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रफ टफ चाहिए होती है, जैसे इसमें से मैं कट करके किचन के लिए भी बना लेती हूँ कई बार, तो वो कलेक्शन भी है। लेकिन मुझे ना इस टाइप की चाहिए थी जो कि थोड़ी सी पतली हो और जो विंटर में ना सूख जाए, ड्राई हो जाए, तो ये मैंने कुछ पतली ली हैं। और यकीन मानिए जो इनकी क्वालिटी है वो उन सबके बराबर ही है जो मैं बॉम्बे डाइंग की या जॉकी वगैरह की जो मैं लेती हूँ। एक मैंने ना जब सामान ज्यादा हो जाता है, ये 2-3 पॉलिथिन हो गई, तो वहां पे बैग खूब बेचते रहते हैं, तो ये एक बड़ा जिपर बैग लिया, इसमें जिप लगी हुई है। आपको पता है ये कितने रुपीज में मिल गया, ये मुझे मिला 75 रुपीज में। तो मैंने सोचा जैसे विंटर्स के अपने कपड़े होते हैं उन्हें रखते हैं, तो उसके काफी सारे हम ऑर्गेनाइजर लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन काफी कॉस्टली भी आते हैं। वैसे तो मैं काफी सारे बना भी लेती हूँ, तो मैंने ये लिया। और जब मैंने ये ले लिया, चेन है इसमें आगे मैंने लिया, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ऐसे मैं और ले लेती। मैं सब्जी मंडी गई थी जहां से इकट्ठी में ये गाजर लेकर आई थी, तो खराब हो रही है अभी, और इनका जो हलवा है वो मुझे शानू के जाने से पहले बनाना था, लेकिन टाइम नहीं मिला, तो बाकी सारा सामान तो मैंने उसके संग रख दिया था। लेकिन अब इन गाजर को कस के मैं इनका बनाऊंगी हलवा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ना जरूर बताया करो, कमेंट्स का जवाब मैं आप लोगों को इसलिए नहीं दे पाती। अभी 1-2 दिन पहले मेरी मम्मी का फोन आया था, उन्होंने बोला कि क्या तुमने कोई प्राइस वगैरह डिक्लेयर किया। मैंने कहा नहीं, तो बोली मेरे पास एक मैसेज मतलब कमेंट का रिप्लाई आया है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऐसे मैसेज आप लोगों को भी रिसीव हो रहे होंगे जो कि स्पैम है, तो उन्हें बिल्कुल इग्नोर करना। मैं कुछ भी अगर ऐसा करूंगी तो सबसे पहले आप लोगों को सामने आकर बताऊंगी, कोई कमेंट सेक्शन में मैं वो चीज नहीं बताऊंगी। इसलिए जैसे ही मैं रिप्लाई देना स्टार्ट करती हूँ, दोबारा से वो स्पैम मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उन्हें इग्नोर करना। तो और इसी तरीके से जो है मुझे आप लोग प्यार देना, और हाँ अपनी रिक्वेस्ट भी बताते रहना, ताकि मैं उनके ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो और भी ज्यादा बना सकूं और अपनी पूरी कोशिश कर सकूं कि जो आप चाहते हो और जितना मुझे आता है जो कुछ भी थोड़ा बहुत वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। तो इस सपोर्ट के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। तो अगर पसंद आए तो लाइक तो करना ही है, कॉमेंट करना है। तो फिर मिलेंगे नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।